नमस्ते दोस्तों, हमारे किचन में आपका स्वागत है। आइए आज हम आपको हरी चटनी बनाना बताते हैं, जिसको हम समोसे चाट मेथी पुलाव किसी चीज के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर हमारे घर में सब्जी ना हो तो हम इसको दाल के साथ भी सर्व करते हैं। चटनी बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होती है। आइए अब हम इसको आपको हम आपको दिखाते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। हमने एक गड्डी पुदीना लिया हुआ है, एक गड्डी धनिया मीडियम साइज की गड्डी हमने लिया हुआ है, स्वाद के अनुसार से नमक, 4-5 लहसुन की कलियां, 4-5 हरी मिर्च, आप अपने अनुसार से ले सकते हैं। जिस तरह आपके परिवार में तीखा पसंद हो आप उस हिसाब से ले सकते हैं। हमने आधा नींबू लिया हुआ है। आइए अब हम चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये चटनी झटपट बन जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। हमने ये जार ले लिया है। आइए हम इसमें पुदीने के पत्ते को डाल लेते हैं। पुदीने के पत्ते को हमने तोड़ लिया, इसके डंठल निकाल दिए हमने। धनिया को हमने अच्छे तरीके से धुल लिया है, आप देख सकते हैं। आइए हम धनिया का डंठल हमें फेंकना नहीं है, इसे हमें काट के डाल देना है। बड़े बड़े टुकड़ों में हम इसमें काट के जार में डाल देते हैं, आप देख सकते हैं। हमने 4 हरी मिर्च लिया हुआ है, हरी मिर्च को भी हम जार में डाल देते हैं। लहसुन की कलियां, आप अपने स्वाद के अनुसार से डाल सकते हैं। हमने 1 चम्मच नमक लिया हुआ है, बाद में हम टेस्ट करके नमक और डाल सकते हैं। नींबू के बीज हमने निकाल दिया हुआ है, आइए नींबू को भी हम इसमें निचोड़ देते हैं। इससे हमारी चटनी का कलर भी बहुत अच्छा हो जाता है और खट्टी सी खट्टा सा एक टेस्ट आ जाता है। ये चटनी नींबू डालने पे बहुत ही टेस्ट, अगर आपके पास नींबू ना हो तो आप आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। आइए अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं, पानी हमें 2 चम्मच डालना है। आइए अब हम इसको पीस लेते हैं, आप देख सकते हैं चटनी हमारी पीस चुकी है। आइए अब हम इसको निकाल लेते हैं बाउल में, आप देख सकते हैं पुदीने की चटनी, पुदीने धनिया लहसुन की चटनी हमारी कितनी अच्छी बनके तैयार हुई है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। ये चटनी ढाबे में भी बहुत यूज की जाती है, आप देख सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना न भूले। अगर आपको कुछ समझ में न आया हो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।